तो दोस्तों आप जो ये क्लिप देख रहे हैं ये शूट एट वडाराम मूवी का क्लिप है, जो ये नवी मुंबई बेलापुर सीबीडी जगह पे शूट हुआ था, जिसको हम लोग हिल पार्सिक हिल जगह से नाम से जाना जाता है। आज वो जगह पे मैं आपको ले आया हूँ और आपको पूरा इधर दोस्तों शूट आउट वडाला आपने मूवी ज़रूर देखी, ये 10 साल पुरानी मूवी है। आज वो उसका एक क्लिप है जो यहाँ पर नवी मुंबई में शूट हुआ था, तो आज मैं वहाँ ले आया हूँ आपको। आप जो ये क्लिप देख रहे हैं यहाँ सिर्फ एक शूट किया गया था, जहाँ पे जोन सर अपनी जो उसकी फ्रेंड रहते हैं अपने फ्रेंड लोग को तैयार करते गैंगस्टर के लिए। तो बोलते कि मुंबई में कैसे राज करना है, किसको मारना है किसको नहीं मारना है, वो सबका यहाँ पे वगैरह शूट चल रहा था। और कैसे आना है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आना रहता है तो सबसे पहले हम बेलापुर सीबीडी से उतरेंगे, ये स्टेशन है, और स्टेशन से यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। अब स्टेशन से चल के आपको वहाँ से वॉक करके सिर्फ 5 मिनट्स का रास्ता है जो अभी हम कंप्लीट करने वाले। अभी यहाँ पे एक सीढ़ी दिख रही है, उस सीढ़ी को क्रॉस करने के बाद और वहाँ पहुँचेंगे तब आपको वो जगह दिखेगा कि वो जगह भी ये मूवी यहाँ पे शूट हुई थी और अब कैसे दिख रही है, तो आज वो देखते। आप देख सकते हो जगह भी कैसे दिख रही है, पहले कैसे मूवी में दिखाया और अभी कैसे दिख रही है यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी गाइस आप कैसे हो आप लोग। आज का जो वीडियो है आज मैं आपको ले आया हूँ नवी मुंबई बेलापुर सीबीडी। ये वो लोकेशन है जहाँ पे 10 साल पुरानी मूवी शूट हुई थी। ये कोई नॉर्मल मूवी शूट नहीं हुई थी, गैंगस्टर मूवी की शूट हुई थी। मनोज सुर्वे का अपनी मूवी जरूर देखेंगे शूट एट वडाला। मैं आज वही जगह पर आया हूँ जो मैं अभी एक क्लिप लगाया हूँ, आप वो देख सकते हो। ये वही जगह है जहाँ पर मूवी की शूट हुई थी। आज मैं उसका पूरा टूर आपको घुमाऊँगा, चलो चलते हैं उस टूर पर। तो दोस्तों ये जो क्लिप देख रहे हैं यहाँ का सीन कैसे दिख रहा है, ये सीन मतलब इवनिंग के टाइम में और अच्छा व्यू दिखता है इसका। तो अगर आपको आना रहेगा तो आप इवनिंग में आ सकते हो, बट ये जो मूवी शूट हुई है अफ्टरनून में होती है।